वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल बी ए सेमेस्टर टू इंग्लिश कंपलसरी द प्राइवेट ते डिस्टेंस वालों का अज वाला पेपर यानी कि 22 मई वाला पेपर अज आप डिस्कस करांगे जो थोड़ी देर पहला ही होया। सो किते भी यूट्यूब ते हजे तक ये सॉल्व पेपर तुहानू नहीं मिलेगा, सब तो पहला मैं तां करके फटाफट देने शेयर कर दो जेडे भी बच्चे डिस्टेंस दे नाले दे विच ने। सो स्टार्ट करते हैं अज का पेपर। सो पेपर डिस्कशन आप देख रहे हैं कि मैं तुम्हें दस्या सी पीपा सोंग जी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोईम है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये सारिया पोईम्स ही मैं तुम्हें दसिया हुई सी, तैयारी करवाई हुई सी, तो सब बच्चे ने कीतिया होंगे। द सोल्स प्रेयर अते वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग ते ईजी पोईम्स सी, इन दी भी जिहड़ी समरी सेंटर आइडिया आया। सो मोस्ट ऑफ द पेपर आप कह सकते हैं कि मीत स्टडी हब के विचों ही आया। कंटैक्सट की गल करिए तो कंटैक्सट भी अपैरेंटली विद नो सरप्राइज आया जिमें कि मैं दसिया सी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा आई सिट एंड लुक आउट एवले पैरे चो आया। दैन जिहड़ा है मिस पुष्पा मैं क्या सी लोंग पोईम है ये भी आ सकता, सो ये आया। उस तो बाद देखो ट्रांसलेशन मैं क्या सी प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट वाली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वाली प्रेजेंट परफेक्ट वाली आएगी, तो एज इट इज़ ही होया। सो ट्रांसलेशन भी करांगे। 20वीं सदी साइंस का युग है, 20th सेंचुरी इज़ द एरा ऑफ साइंस एंड ए साइंस दियाँ भिन्न भिन्न खोजों के कारण प्रसिद्ध है। इट इज़ फेमस फॉर द डिफरेंट डिफरेंट इनवेंशनस और यू कैन से डिस्कवरीज। रेल के इंजन की खोज 19वीं सदी के आश्चर्यजनक घटना है, यानी कि बहुत ही अद्भुत है ना। सो आप इतने की लिखेंगे डिस्कवरी और तुसी इनवेंशन भी लिख सकते हो। इनवेंशन और डिस्कवरी ऑफ रेलवे इंजन इज़ अ वंडरफुल इंसीडेंट ऑफ 19th सेंचुरी। जदों स्टीफनसन ने कहा, क्योंकि यह देखो एक घटना है लिखे तो आप इज़ यूज़ करांगे, ठीक है। ये प्रेजेंट पास्ट दोनों के उत्ते है पैरा, देखो अगे अगे आप करांगे तो पास्ट आएगा। जदों स्टीफनसन ने कहा कि उसका इंजन एक वड्डी गड्डी नूं 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार नाल चला सकता है, तो उसने कहा सीगा उस टाइम, मतलब सैट से गल आ गई, तो ये की कहेंगे वैन स्टीफनसन सैड दैट हिज इंजन कैन रन अ लोंग और यू कैन से लार्ज ट्रेन एट 20 माइल्स पर आवर, तो बट द पीपल डिंट बिलीव हिम, तो इतने कुड भी आ सकता है कैन की जगह पर, ठीक है। सो कुड भी बहुत सारे बच्चे ने पाया होएगा, सो भी ठीक है। उस तो बाद बहुत ने उसका मजाक उड़ाया, मैनी ऑफ दैन जरा सी मैनी ऑफ दैम मेड फन ऑफ हिम, मतलब काफ़ी ने उसका मजाक उड़ाया, बट ही सून मेड दैम काम, लेकिन उसने चेती उन्होंने की कर दिता शांत करता। अज स्टीफनसन ना का जोड़ा नाम है बच्चा बच्चा जाता है, टूडे एवरी चाइल्ड रैकोगनाइज स्टीफनसन, तो बहुत ही इंट्रस्टिंग पैरा सगा। ये अपा ने करना नहीं सी, फॉरन स्टूडेंट्स का यह काम, आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं। सो वी विल जंप टू द नैक्सट यूनिट थर्ड जोड़ा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पाए। देखो कि बेवकूफ़ी वाली गल है कि शॉर्ट क्वेश्चन सिलेबस नहीं सी पाए हुए, बट इतने पाते। मैं क्या सीगा कि यूनीवर्सिटी जी है एवं पुठे सीधे काम करती है तो करता, चलो कोई गल नहीं, आप याद किए हुए थे कि बिकॉज जोड़े पैरे ने जोड़े समरीज ने सेंटर आई डी ने मैं बहुत अच्छे तरीके पढ़ाए थी। सो इतने पीपल सोंग तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, वट डू द हिल साइड्स ड्यू पर मीन, तो जिहड़ी हिल साइड ते पर्ल जिहड़ियां गिरियां होईयां सीगियां उहदा की मीनिंग सीगा, तो इहदा मीनिंग की सी कि चमक रहीआं सीगियां, ठीक है। सो इदां दा कुछ जिहड़ा बना के लिखना सी। मैजिक ऑफ लव दे विच जिहड़ा है पोएट की ऑफर करदा है ना, सैबरिंग ऑफ गनर्स देयर मीन, सैबरिंग मतलब की हुंदा है कि वह जिहड़े गनर्स सी वह की कर रहे सी सैबरिंग कर रहे सीगे। तो ये सोल प्रेयर के कह रहे चार पांच लाइना सोल प्रेयर के सेंटर आई डी चु लिखनिया सी। फेमाइन जिहड़ा सीगा, फेमाइन किस चीज़ का प्रतीक सीगा आई सिट एंड लुक आउट दे विच। तो मिस पुष्पा जी है क्यों प्रसिद्ध सी, क्यों पॉपुलर सी, बिकॉज जिहड़ा सी वो हरेक का कहा मन लैंदी सी, पहली बार ची गल समझ लैंदी सी, तां करके आदमी ते औरत दोनों विच पॉपुलर सी। सो टैगोर की प्रे करता है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, कि मेरे जिहड़े कंट्री मैन ने वो फ्री होण हरेक तरह की बाउंड्रीज़ तो, हरेक एक दूजे नूं जिहड़ा हैगा वो भरा भरा समझण, ते असली जिहड़ा है रियल मीनिंग जिहड़ा हैगा वो फ्रीडम का समझण। सो ब्लॉन्ड एसाइसन ये जिहड़ा मैं करवाया सी कि ब्लॉन्ड एसाइसन कौन है, किलर हैगा पोइम दे विच जिहड़ा कि आके जिहड़ा है उसनूं मार दिंदा हैगा फुल नूं, फाइन। सो सेंट्रल आइडिया फूल एंड फ्री का चार पांच लाइना करनिया सी। वैली ऑफ डैथ किनू कहा गया, जिथे वह जोड़े सके लाइट ब्रिगेड की 600 की टुकड़ी जी सी, आई थिंक 600 ही सी है ना, तो 600 की टुकड़ी जी है जा रही सी। जॉज ऑफ डैथ न किया गया वैली ऑफ डैथ। सो मैजिक ऑफ लव जी है पोइम किने लिखी हैगी है, सो य बहुत ही ज़्यादा सबनों पता होएगा, फटाफट नीचे कॉमेंट करके दसो कि पोइट का नाम की है।
वट डज़ द पोइट ऑबजर्व इन द वर्ल्ड, हूँ पोइट जोड़ा है कि ऑबजर्व करता है, मिजरी पावर्टी है ना, जड़िया मावं बच्चे निगलैक्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने दुख देखता है, सो काफ़ी कुछ जरा देखता है, लव देखता है, जैलसी देखता है यंग मैन दे, सारा कुछ अपन ने लिखे आना। हूँ आई अपनी ग्रैमर की वारी, सो वर्ब प्लस आई एन जी लिखना है, सो ये दो तीन सेंटेंस के वर्ब प्लस आई एन जी पाना है ये दोनों सेंटेंसिस। किए करेंगे, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट ऑल द टाइम, कृपा करके हर टाइम इंटरप्ट ना करो, दखलंदाजी ना दो। वुड यू माइंड डैश ऑल द टाइम, वुड यू नॉट इंटरप्टिंग ऑल द टाइम, कि तुसी सारा दिन मैनू उत्ते इत्थे नोट लगे तो इट मीनस इत्थे भी नोट लगेगा नॉट इंटरप्टिंग, फाइन, तो इत्थे आपां नॉट इंटरप्टिंग पा देंगे। ध्यान नाल पेपर सॉल्व देख लो किवें करके आए, किन्ने क मार्क्स पाते हैं, अपने अपने मार्क्स भी कमेंट करके जरूर दस्यो ग्रैमर वाले, फाइन। आई कैन डू वट आई वॉन्ट एंड यू कॉन्ट स्टॉप मी, मैं जो चाहवागा मैं कर सकता हाँ, तुम मैं रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप मी, तुम मैं रोक नहीं सकते, डूइंग वट आई वॉन्ट, तो इतने क्या आएगा डूइंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, फाइन। दैन है होल, होल कितने लगाना है, जैक एंड लीजा हैड अ वीक्स हॉलीडे बाय द सी, तो जैक एंड जी जैक एंड लीजा की कहने हैं सी हॉलीडेज ली जा रहे हैं, इट रेन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वीक टू द एंड, सो बिगनिंग ऑफ द वीक जिहड़ा सीगा वो एंड तक जिहड़ी है वर्खा हो रही है, इट रेन होल द वीक, ठीक है, इट रेन होल द वीक, या फिर इट रेन फॉर होल द वीक, फोर भी लग सकता है, इट रेन होल द वीक भी सही है। एवरी वन इन द टीम प्लेड वेल, वैल, हर कोई इस टीम के वधिया खेडिया, द होल टीम, द होल टीम प्लेड वैल, फाइन, सो ऐदा ये सेंटेंस बनेगा। सम तो एनी, बहुत बच्चे ने करैक्ट किया होगा पक्का। हैव यू सीन एनी गुड मूवीज रीसेंटली, एनी आएगा बिकॉज तुसी कोई मूवी देखी है और क्वेश्चन मार्क देखिए असी अंदाजा लगा लिया कि इतने जड़ा हैगा एनी आएगा। दोज एप्पल्स लुक नाइस, ओ जड़े एप्पल्स ने ओ अच्छे लग रहे ने, शैल वी बाय सम, कि असी थोड़े जे खरीद लिए, एनी नहीं आएगा इतने सम आएगा, चाहे जड़ा हैगा क्योंकि उतने कुछ की गल की है कि असी खरीदन की विलिंग बनाई बैठे हाँ कि वो एप्पल्स अच्छे ने तो असी खरीद लेने हैं, ठीक है, सो तां करके एनी एनी नहीं आएगा सम आएगा, ठीक है, बच्चे ने सही किए हुए हैं। अगे है विद और विदाउट लगा के करनी है, फाइन। विमेन, द विमेन लिव लोंगर दैन द मैन, और यू कैन से द मैन, तो ये आएगा विमेन लिव लोंगर दैन मैन, ठीक है, द मैन नहीं आएगा, द विमेन नहीं आएगा, फाइन। आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट ड्रिंक टी, ओनली इतने तक आएगा, द नहीं आएगा। उस तो बाद है करेक्ट फॉर्म आई एन जी लगा के कर लो, चाहे ए इनफिनिटी ने, ठीक है, चाहे आई एन जी चाहे टू, लेकिन दोनों चो की सूट करता वो लगाना है। दे डिनाइड डैश द मनी, दे डिनाइड टू स्टील द मनी, देखो उन्होंने चोरी की नहीं, मना करता पहले ही, जे कर दी होंगी तो आप स्टीलिंग पाते, तो दे डिनाइड टू स्टील द मनी। आई डोंट इंजॉय डैश वेरी मच, इतने ड्राइव ला के बनाना सी, आई डोंट इंजॉय ड्राइविंग वेरी मच, मैनू ड्राइविंग जिहड़ी हैगी है मैं घट ही इंजॉय करदा, फाइन। ये पहला बंदा जिहड़ा ड्राइविंग घट इंजॉय करता है, सानू कोई रौंडी का मौका दे फटाफट चल जाइए। सो हैविंग लगा के बनाना है, द कॉफी शॉपिंग आई अ कप वेंट डन फॉर ऑफ, देखो कि कुछ बना के देता, सब तो पहला तो की आएगा आई वेंट फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, आई वेंट फॉर अ कप ऑफ कॉफी हैविंग डन द शॉपिंग, तो इदा बनाना, या फिर सब तो पहला लगा दो हैविंग डन द शॉपिंग, दो तरीक बनता है, हैविंग डन द शॉपिंग कॉमा, कॉमा लगा के सेकेंड सेंटेंस की बनता है आई वेंट फॉर अ कप ऑफ टी, आई वेंट फॉर अ कप ऑफ टी, फाइन। सो उस तो बाद मूव टू द ट्वेल्थ सेंटेंस सेंट, सो इतने ये सेंटेंस दिता हुआ है, सो अपा ने की पाना, या तो हैविंग वाला पहला पा दो या फिर बाद पा दो, तो आप की पावे शी वेंट होम, उपर तो ही चुके है शी वेंट होम हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, फाइन। सो ये चीज़ा लिखनिया ने, सो आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, या फिर सॉरी आफ्टर शी वेंट होम हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। उस तो बाद है आल ऑफ इट, सम ऑफ दैम, या फिर नन ऑफ इट, सारे ते सारे, या फिर इन्हों कुछ
अते या फिर इस कुछ भी नहीं, शी इनवेंटेड द होल स्टोरी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड डैश वाज ट्रू, ताकि आएगा ऑल ऑफ इट वाज ट्रू, उन्हें सारी दी स्टोरी जिहड़ी स्टोरी सी इनवेंट कीती सी, शी इनवेंटेड ऑल, शी इनवेंटेड द होल स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरू तो ही उसने स्टोरी जिहड़ी सीगी इनवेंट कीती सी, ऑल ऑफ इट भी आ सकता है, ये नन ऑफ इट भी आ सकता है, नन ऑफ इट किवें आ सकता है, क्योंकि या तो आप कह सकते इस चो कुछ भी सच्चा नहीं सी, क्योंकि इन्हें इनवेंट की सी, अगर दूजी तरह इनवेंट का मीनिंग देखिए तो ऑल ऑफ इट भी आ सकता है, दोनों सही है, फाइन। उस तो बाद आई वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म, मैं सारी जी है फिल्म जी सी वॉच की, बट नॉट ऑल ऑफ इट, आई वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म, मैं मतलब मोस्ट ऑफ द फिल्म तो देख ली बट सारी नहीं देखी, बट नॉट ऑल ऑफ इट, फाइन। तो 13 दे विच जिहड़ा हैगा ऑल ऑफ इट भी ला सकते हो, नन ऑफ इट भी ला सकते हो, कन्फ्यूज किया हुआ इन्होंने इतने, दोनों चीज़ा सही हैं, फाइन, दोनों चीज़ा गलत नहीं, अगर तुम्हारे दोनों चो एक भी लगाया तो सही है, नीचे वाले विच ऑल ऑफ इट आएगा, फाइन। सो ए सी अज का वीडियो, फटाफट अगर कुछ भी पसंद आया है मेरे चैनल के उत्ते तो फटाफट जाके लाइक कमेंट तो शेयर कर दो।